केंद्र में मौजूदा बीजेपी की सरकार को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाया गया था, लेकिन चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडिया अलायंस के बीच के मतभेद साफ होते जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चालू पार्टी बताया। उन्होंने कहा, जब हमको ही धोखा दे दिया तो जनता का क्या हाल करेगी। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? इसके साथ ही बीजेपी के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को कौन सुनता है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मुंह की खानी पड़ेगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, मैं पहले दिन से अपने बात पर कायम हूं, आज भी उस बात पर कायम हूं कि मुझे ये गठबंधन बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। वहीं बसपा में मंत्री रहे राज बहादुर सिंह और पूर्व आईपीएस उमेश कुमार सिंह के साथ ही दर्जनों नेताओं ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाज का हर वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहता है। एक तैयारी है, आप देखिए, जब ऐसे वरिष्ठ लोग, ऐसे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग और जिन्होंने समाज के अंदर पूरा जीवन काम किया, पुलिस सेवा के अंदर काम किया, ये लोग आज जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप इससे ये प्रतीत होता है, अपना पता लगा सकते हैं कि समाज का पूरा हर वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस की निष्ठा के साथ, अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर। बता दें कि पूर्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ये बात कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है। ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच की तकरार यूपी तक जा पहुंची है और अखिलेश यादव इस बात को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं।